मुनव्वर राणा है। वाह क्या बात है। तो उन्होंने एक शेर लिखा था और एक उन्होंने एक बात ये कही, मुझे लफ्ज अच्छे से याद नहीं बट वो जज्बा सिर्फ याद है, जज्बा आपके साथ एक शेयर करता हूँ, फिर मैं अपनी लिखी हुई माँ से हटकर कुछ सुनाऊंगा। कि कोठे से लेकर हम कहाँ तक लेकर आए, कोठे से खींचकर हम कहाँ तक ले आए, हम इस गजल का जज्बा माँ तक ले आए। मतलब पहले जो गजल की शुरुआत हुई थी वो गजल पहले राजा महाराजाओं के लिए गाई जाती थी, उनके उसमें गाए, गजल को रिस्पेक्ट नहीं थी क्योंकि गजल का रूप ही वो था, या तो माशूक के लिए या राजा के लिए। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ी तो गजल में इतनी गहरी और बड़ी बड़ी बातें कही लोगों ने कि अब आज गजल को रिस्पेक्ट है। और मैं गजल को रिस्पेक्ट इसलिए देता हूँ कि मुझे सहजता उसमें ज्यादा मिलती है। एक दो शेर मुनव्वर राणा के फिर हाँ, फिर मैं उस पे करता हूं। किसी को घर मिला हिस्से में, बहुत बढ़िया मेरा फेवरेट शेर इसमें, बहुत बढ़िया। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं सबसे घर में छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इसका मैंने जीवंत रूप आज सुबह सुबह देखा, अब जब चाय वाय पी के वहां से निकल रहे थे तो मैंने कहा कि